हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपका सेकंड टॉपिक हम लोग ले रहे हैं डायमेंशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपका सेकंड टॉपिक हम लोग ले रहे हैं डायमेंशन। तो देखिए, हम लोगों ने जब फिजिकल क्वांटिटी की थी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं, जो कि किसी अदर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जो कि बेसिकली कौन सी थी, मास, लेंथ, टाइम, हीट, इस तरीके से। और ऐसा ही सिस्टम में सेवन्थ थी, जैसे कि टेम्परेचर के लिए केल्विन एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए, उसके बाद मोल सब्सटेंस के लिए, सब्सटेंस के अमाउंट के लिए। तो इस तरीके से सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट में देखी थी, और ये क्वांटिटी जो है वो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और जो डेराइव्ड क्वांटिटी थी ना, वो डिपेंड करती है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर, यानी कि उनको हम लोग डेराइव करते हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखो कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। जैसे इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं मोमेंटम, उसके बाद उसके अलावा देखो वर्क है, फोर्स, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये इनकी हेल्प से निकाली जा सकती है। तो देखिए, अब जैसे इस मोमेंटम को हम लोग लेते हैं, तो देखिए मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल टू होता है हमारे पास में मास इंटू वेलोसिटी। जो भी इसकी वेलोसिटी है वो मास, इसको एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो इस ये फॉर्मूला है इसका मोमेंटम का। तो देखिए, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है ना ये मोमेंटम। और वेलोसिटी जो को देखो, वेलोसिटी को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन में टाइम, और टाइम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसमें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। तो देखिए, यहाँ पर जब इस तरीके से लिखते हैं इनको, तो देखिए यहाँ पर मास जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल लेंथ है जिसको एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम टी जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास, लेंथ और टाइम इनको इन्हीं के सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम कैपिटल में करेंगे, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी। तो देखिए टी डिवाइड में है तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटी के, एक तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है यही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। इन फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद एम्पियर है, जो भी ये सेवन हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी लिए, इनकी हेल्प से जब इनके फॉर्मूले के फॉर्म में जब किसी क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आपको समझ में आएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कोई क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग डेंसिटी ले रहे हैं, या डेंसिटी ले लेते हैं, एक्सीलरेशन, इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी क्वांटिटी लेंगे। तो पहले हम लोग ले रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इसको रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिप्रेजेंट आप डी से भी कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, एक्चुअल में डेंसिटी होता है कि कोई भी एक वॉल्यूम है और उसके अंदर कितना मास है। चलो मान लो कि कोई एक वॉल्यूम है और उसके अंदर मास फिल है, मास मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो वो फिल है, क्योंकि और तो हम लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर अगर इतने वॉल्यूम में अगर कोई भी एक फिक्स अमाउंट का मास मौजूद है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, ठीक है। तो वही चीज़ होती है डेंसिटी, कि कितना घना है कोई चीज़, कितना तो कितना मतलब एक वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट मौजूद है, वो चीज़ बताती है डेंसिटी। तो यहाँ पर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मास तो वैसे भी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको एम से रिप्रेजेंट करना ही है, और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम होता है हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू
हाइट, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ ही है। तो हम लोग इसको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना हो तो m अपॉन l 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही लेंथ है तो लेंथ का क्यूब हो गया। और इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 l 3, और t नहीं, l माइनस 3, और t नहीं है यहाँ पर, टाइम नहीं है, तो या तो आप इसको शो ही मत करो या फिर इसके ऊपर पावर जीरो दिखा दो कि ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है, t जीरो है हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग डेंसिटी को डायमेंशनल फॉर्मूले में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो और एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्जांपल सोल्व करोगे ना, आपके ऊपर भी है, देखो आपको ऐसा नहीं है कि ठीक है ये जो कुछ मैंने बता दिया बस हो गया और हमें समझ में आ गया, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, आपको उतना ही ये क्लियर होगा, आपके प्रैक्टिस में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद को ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है, आप जितने ज़्यादा कैलकुलेट करोगे ये सारे जो है आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे और फिर ये आपके लर्न भी रह जाएंगे, तो आपको तुरंत ध्यान रहेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन ले रहे हैं ए, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सीलरेशन होता है हमारे पास में वॉल्यूम अपॉन सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज और पर सेकंड, इस तरीके से एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, एक तरीके से ये वेलोसिटी है और ये टाइम ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस एल अपॉन में टाइम, ठीक है, और ये क्या है, ये भी टाइम है जिसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये करना था अपने को, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ठीक है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल वन टी माइनस टू, और एम नहीं है तो एम जीरो, तो एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ठीक है, इस तरीके से एक्सीलरेशन को लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद देखो और भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं आपके समझने के लिए। तो देखो फोर्स ले लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट जो है वो हम लोग फोर्स ले रहे हैं। फोर्स क्या होता है हमारे पास में, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ये होता है फोर्स। तो देखिए यहाँ पर मास क्या है, एम, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो एल वन टी माइनस टू होता है, ठीक है, यही होता है ना, देखो एक्सीलरेशन के ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी इसकी, तो ये हमारे पास में हो गया एम वन एल वन टी माइनस टू। तो इस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास में फोर्स का। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला को ना हमेशा हम लोग इस तरह बिग ब्रैकेट में ही इसको शो करते हैं, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर शो करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं वर्क की। तो वर्क की डायमेंशन के लिए देखो वर्क इक्वल्स टू होता है हमारे पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि अगर वर्क अगर है तो उसको हम लोग क्या बताते हैं कि कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स लगाने से उसके अंदर कितना चेंज हुआ है, उसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कितना वर्क हुआ है, जितना फोर्स लगाया गया है और उस फोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके अंदर कितना चेंज हुआ है, उससे अपने को पता चलता है कि कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई तरीके का डिस्प्लेसमेंट, कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप चाहे कितना भी फोर्स लगाओ लेकिन अगर वो हिलेगा ही नहीं तो उसके अंदर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने काम किया। काम तभी माना जाता है जब अगर उसकी पोजिशन में कोई चेंज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट आए तब हम लोग मानते हैं कि वर्क हुआ है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। अब देखिए फोर्स के लिए तो हम लोग निकाल ही चुके हैं एम वन एल वन टी माइनस टू, ये निकाल चुके हैं डायमेंशन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कोई ना कोई लेंथ है, ठीक है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है उस ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगाया, ये इस ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगाकर हम लोगों ने और इसको यहाँ पर ले आए तो इसके पोजीशन में चेंज हुआ, कितना हुआ, इतना, तो ये लेंथ ही एक तरीके से, तो लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं हम लोग एल वन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास में एम वन एल टू हो जाएगा, देखो वन वन टू हो जाएगा, ठीक है,
और ये टी माइनस टू, तो ये हमारे पास में वर्क की डायमेंशन आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद पावर की ले लेते हैं। ठीक है, पावर, क्योंकि ये सारी मैं फिजिकल क्वांटिटी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये आप लोग अच्छे से जानते हो, और जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का स्टार्ट है, बुक का स्टार्ट है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपको पता ही नहीं है तो उसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं वो क्वांटिटी ले रही हूँ जो आपको ऑलरेडी, जिनके बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो अब देखिए पावर क्या होता है हमारे पास, पावर होती है वर्क करने की कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, जितना आप किसी भी पर्सन की मान लो या कोई भी अगर मशीन है उसकी पावर आप किस तरीके से बताते हो कि वो कितना वर्क कितने टाइम में कर पाए। ठीक है, कोई भी पर्सन है तो आप लोग उसकी पावर ये बताते हैं ना कि वो इतना कम टाइम में इतना मतलब वर्क कर सकता है, उसी से उसकी कैपेसिटी पता चलती है। और वर्क की हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। देखो वर्क की क्या है हमारे पास में, एम वन एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे एम वन एल टू टी माइनस टू। ठीक है, और टाइम, तो टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी वन है हमारे पास में। अब देखिए ये टी यहाँ पर नीचे जब है तब तो ये प्लस का है, इसकी पावर प्लस वन है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगी, और माइनस टू पहले से ही है, माइनस वन एक और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस थ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास में पावर की डायमेंशन हो जाएगी। उसके बाद देखो और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, तो प्रेशर बता देते हैं आपको। तो देखिए प्रेशर के लिए, तो देखिए उसके बाद में प्रेशर क्या होता है हमारे पास, देख अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कुछ कोई भी कुछ भी मान लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स जब लगता है, और फोर्स और प्रेशर में क्या चेंज है, देखिए फोर्स टोटल कितना लग रहा है वो तो हो गया आपके पास में फोर्स, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, सरफेस है, अब टोटल कोई भी सरफेस है उसके ऊपर आप टोटल जो फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके सरफेस के अकॉर्डिंग पर यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। कि जैसे अगर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आप टोटल जो है किसी भी चीज़ से आप इतना फोर्स लगा रहे हो एफ, लेकिन ये जो जितना फोर्स आप लगा रहे हो ये पूरे इस पूरे सरफेस पर ही लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही कोई पॉइंट पर लगेगा, तो पूरे सरफेस पर लग रहा है ये, लेकिन तो ये तो हो गया फोर्स। अगर अब हम लोग बात करें कि अब इसके ऊपर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर की बात जब करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है वो होता है प्रेशर। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स एफ और इस पूरे जो एरिया है इसका, इससे हम लोग अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास प्रेशर आ सकता है। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास में। अब फोर्स के लिए तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, और उसके बाद में एरिया के लिए, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ। ठीक है, तो उसके लिए एल टू हो जाएगा हमारे पास में। अब इसके लिए टोटल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, इसका ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल माइनस टू। अब ये देखो एल प्लस वन माइनस टू, कितना बचा, माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हमारे पास में प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर का कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद में स्ट्रेस, तो स्ट्रेस भी देखो इसके लिए सेम ही होती है, क्योंकि स्ट्रेस को भी हम लोग कैसे बताते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना स्ट्रेस आएगा, तो वो भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि टोटल कितना फोर्स लगाया और पर यूनिट एरिया कितना हम उसके पास में लगेगा, उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेम ही होती है स्ट्रेस की भी, स्ट्रेस की डायमेंशनल क्वांटिटी भी सेम ही होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो
हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं वो एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो एंगल देखो क्या होता है, इस तरीके से यही बताते हैं हम लोग एंगल, कि कोई भी अगर यहाँ पर सर्कुलर कोई भी सर्किल हो, अगर उसका कोई एक पार्ट उस पार्ट के थ्रू उस सेंटर पर कितना, यहाँ पर एक तरीके से ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वही होता है एंगल हमारे पास में, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है एंगल, और इसको हम लोग कैसे बताते हैं, ये जो आर्क होती है ये अपोन में ये जो इसकी रेडियस होती है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में आर्क अपोन में रेडियस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आर्क जो है वो भी क्या है, एक तरीके से लेंथ ही है ये, ठीक है, और रेडियस जो है वो भी एक तरीके से लेंथ ही है। तो ये तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये जो एक तरीके से जो वैल्यू थी ऊपर और वही वैल्यू है नीचे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी जिनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डायमेंशन कैलकुलेट की है। तो ये हम लोगों ने सिंपल क्वांटिटीज ली हैं, ठीक है, ताकि इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ सबसे पहले टॉपिक को। उसके बाद देखिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और जो डिफ़िकल्ट है जो नई है आपके लिए, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके उनके लिए डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए है जिसके अंदर हम लोग और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करें, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए फिर क्या अलग से वीडियो बना दूंगी। इसके अंदर मैंने आपको डायमेंशन क्या होता है वो समझाया है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करके बताया, और बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये टॉपिक उतना ही क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको निकालनी आनी चाहिए ये। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आपको यूज़फुल लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए।